हाय फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर ट्रिक्स के अंदर हार्दिक स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम इसके यूट्यूब चैनल में अलग अलग ट्रिक्सों की बात करते हैं, तो आज उसी के रिगार्डिंग हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं। वो है इंसेक्ट पेस्ट की, जो एंटोमोलॉजी के अंदर इंसेक्ट पेस्ट वगैरह होते हैं उसके अंदर वीट के अंदर जो इंसेक्ट पेस्ट लगते हैं उनके नाम हैं, उनकी फैमिली, उनकी आज बात करेंगे और उनके ऑर्डर की भी बात करेंगे, वो भी किस माध्यम से, ट्रिक के माध्यम से, ताकि एक बार देखते ही याद हो जाए। तो फर्स्ट अपन बात करते हैं फ्रेंड्स, वो है आर्मी वर्म ऑफ वीट की। जो आर्मी वर्म होती है वीट की, तो उसका जो नाम है वो है माइथिमा सेपराटा। तो फ्रेंड्स, मैं एक चीज़ बता दूँ आप लोगों को, इसके अंदर नाम के अंदर ही दिख रहा है आर्मी, तो आर्मी मतलब कि अपने सोल्जर्स। तो अपना पहले थिंकिंग क्या रहती है कि अपन उसको, यानी कि अपने सामने आ रहे हैं या उनको किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो अपन क्या बोलते हैं कि चलो आप पहले लो, यानी कि अपन पीछे हट जाते हैं कि चलो सर आप पहले हो। तो हर इंसान के दिल के अंदर उनके लिए एक अलग सी रेस्पेक्ट होती है, तो उसी चीज़ को नज़र रखते हुए करेंगे कि आर्मी वॉम। तो आर्मी वॉम मतलब कि माइथिमा सेपराटा। तो हमेशा क्या होती है, आर्मी वाले अलग ही सेपरेट होते हैं। कहीं भी कैंप वगैरह देख लेना, चाहे वो कहाँ रह रहे हैं वहाँ देख लेना, उनका अलग ही होता है, वो अलग से सेपरेट होते हैं। तो इसके अंदर सेपराटा यानी कि सेपरेट, आर्मी वाले माइथिमा यानी कि माई थिंकिंग, मेरे हिसाब से वो अलग ही रहते हैं, और मेरे हिसाब से नहीं, वो यूनिवर्सल चीज़ है कि वो अलग ही रहते हैं। तो आर्मी वाले माइथिमा सेपराटा की अपनी थिंकिंग से वो अलग ही रहते हैं, तो उसे को रिलेट करके हो जाएगा फ्रेंड्स। और अब फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं, इसकी फैमिली है वो नॉकटिडी। तो नॉकटिडी मतलब कि जो नाइट के अंदर अटैक करती है उसे नॉकटिडी बोला जाता है। तो फ्रेंड्स, ये इंसेक्ट पेस्ट है, ये नाइट में अटैक करता है। तो बात करें तो इंडियन सोल्जर्स देख लो, चाहे किसी भी कंट्री का सोल्जर देख लो, वो नाइट के अंदर ही अटैक करता है आर्मी वाला, तो नॉकटिडी। या फिर नॉकटिडी से अपने ये से भी कोरिलेट किया जा सकता है कि अगर वो अलग रह रहे हैं, वो सेपरेट है, सेपरेट रहते हैं अलग, तो उनको नो डिस्टर्ब करना चाहिए, यानी कि डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, नो डिस्टर्बेंस, तो उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, तो नो डिस्टर्ब से नॉकटिडी फ्रेंड्स वो हो जाएगा। और जो इसका ऑर्डर है वो तो ऑब्वियसली सबको याद ही रहता है, लेपिडोप्टेरा। अब बात करते हैं जो सेकंड नंबर है फ्रेंड्स, इसके तो शानदार ट्रिक है कि शायद आप एक बार सुनोगे तो उसके बाद में कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी उठा के देखने की, बस एक बार और वीडियो देख लीजिएगा अगर भूल जाओ तो, नहीं बाकी ऐसा ही याद हो जानी है। तो ये है गुजिया विविल, गुजिया विविल है वो वीट का है। गुजिया विविल का जो नेम है वो है टेनीमाइसियस इंडिकस, टेनीमाइसियस इंडिकस। और जो इसकी फैमिली होगी कुरकुलिनिडी, और जो इसका ऑर्डर होगा वो होगा कोलियोपटेरा। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं सबसे पहले तो नेम की। तो गुजिया विविल, गुजिया तो आप जानते ही हो, गुजिया को कोरिलेट करना होगा आपको भुजिया से, तो गुजिया को भुजिया भी बोल सकते हैं ना। और आपको पता है भुजिया का पैकेट आता है वो कितने रुपये का आता है, 10 रुपीज़ का, 10 रुपये का। तो भुजियों का पैकेट आएगा कितने रुपये का, 10 रुपये का, मतलब कि 10 रुपये। तो टेनीमिसियस किस में आएगा, टेनीमिसियस इसी का है, तो इसके अलावा और किसी के अंदर नाम नहीं मिलेगा गुजिया विविल के अलावा, ये टेनीमिसियस इंडिकस और किसी के अंदर नहीं मिलेगा फ्रेंड्स। तो ये इससे कोरिलेट कीजिएगा कि अपने भुजियों का पैकेट लिया, और भुजियों का पैकेट कितने रुपये का था, 10 रुपये का। और सेकेंड अपन बात करते हैं तो गुजिया यानी कि भुजिया खाते हैं तो कैसी आवाज़ आती है, कुरकुर। तो जो ये इसकी फैमिली होगी वो कुरकुलिनिडी। तो फ्रेंड्स, और जो इसकी ये ऑर्डर है ये कोलियोप्टेरा, वो आप वैसे ही याद कर लोगे, है ना, इसमें तो कोई है नहीं। और फ्रेंड्स, एक चीज़ और बता दूँ इसके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखने वाली बात है कि विविल जितनी भी होती है, चाहे स्टोर्ड विविल हो या फिर अन्य क्रॉप्स की विविल हो, तो उनकी जो फैमिली होगी वो हमेशा कुरकुलिनिडी होती है फ्रेंड्स, ये हमेशा याद रखना। तो विविल आता है कुरकुलिनिडी, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड्स, इसलिए बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, क्योंकि मैंने कई बुकों में देखा है। अब यह आपको याद हो गया गुजिया मतलब कि भुजिया, भुजिया कितने रुपये का, 10 रुपये का, 10 रुपये की भुजिया खाएंगे तो कैसे हो जाएगी, कुरकुर। तो आप तीनों को रिलेट करके ये याद हो गया होगा फ्रेंड्स। अब बात करते हैं जो इस 88 इज ए स्पेसिफिक पेस्ट ऑफ वीट नर्सरी, ये जो पेस्ट है वो स्पेसिफिक रूप से जो नर्सरी वगैरह होती है वीट की उनका है ये पेस्ट। और ये दो पेस्ट वगैरह पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, एक तो राइस का, जो राइस का नर्सरी पेस्ट है उसका, और एक ये वीट का। तो ये याद रखना गुजिया विविल फ्रेंड्स,
कि जो नर्सरी के अंदर इसको कोरिलेट कैसे करना है वो भी बता देता हूँ कि हमेशा गुजिया कहाँ, आप गुजिया ले रहे हो 10 रुपए के, तो वो कहाँ पे बैठ के खाओगे? नर्सरी के अंदर बैठे हो ना, नर्सरी में बैठे बैठे क्या खा रहे हो? भुजिया। तो उससे कोरिलेट करके कीजिएगा। डैमेज कॉज बाय द एडल्ट विविल ओनली, जो इसके अंदर डैमेजिंग स्टेज होती है तो वो ओनली विविल्स जो एडल्ट होती है ना वो ही इसके अंदर वो करती है ये डैमेज वगैरह। फ्रेंड्स अब बात करते हैं जो टर्माइट, टर्माइट का नाम है वो है ओडेंटोडर्मस ओबिसिस। तो फ्रेंड्स टर्माइट का तो नाम ऑब्वियसली सबको 80% 90% तो सबको याद होता ही है। बाकी अगर आपको अगर इसको रटने में दिक्कत आए तो हमें कमेंट बॉक्स में बोल दीजिएगा, हम आपके इसकी भी ट्रिक्स बता देंगे। और बात करें टर्माइट से टर्मिडी इसकी फैमिली होगी और आइसोपटेरा इसका ऑर्डर हो जाएगा। ऑर्डर आइसोपटेरा आप जानते हो, आइसोपटेरा मतलब कि बहुत छोटा, तो टर्माइट कितनी छोटी होती है ना, तो आइसोपटेरा देखते ही आपको याद आ जाएगा। और टर्मिडी ये इसके नाम के अंदर ही छुपा हुआ है तो इसकी फैमिली हो ही गई। और इसके नाम के अंदर प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर बोल सकते हो। और जो वीट है तो वीट का एक माइट, ये भी मोस्ट कॉमनली कई बार पूछ लिया जाता है लेकिन फिर भी अपना अगर इसके अंदर है तो या एक बार देख ही लेते हैं इसको। पेट्रोबिया लेटियंस ये अरेकनिया का होता है, एकारनिया। तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।